दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज करें जिसमें एंड्रॉयड 11 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 11 के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 ऐसे सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एंड्रॉयड 11 के 7 ऐसे सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। ये कौन कौन सी सेटिंग्स है जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। एंड्रॉयड 11 अपडेट करने के बाद जो सबसे फर्स्ट फीचर आपको देखने को मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये जो फीचर है नॉर्मली सभी फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप रियलमी या फिर शाओमी किसी भी फ़ोन को लेते हैं, वहाँ पर इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है। बट अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज करते हैं तो उसमें आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं मिलता। अगर आपने एंड्रॉयड 11 अपडेट किया तो आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर है इसमें देखने को मिल जाता है। इसे कैसे आप इनेबल कर सकते, उसके लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पे आ जाना है और यहाँ पर आपको पेंसिल जैसे आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड, इस पर आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है और इसे ऊपर की तरफ मूव कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ पर माइक्रोफोन यूज करना है या फिर डिवाइस ऑडियो वगैरह यूज करना है, और यहाँ पर आपको सो टचेस ऑन स्क्रीन, इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है चैट बबल्स। अगर आपने फेसबुक का मैसेंजर ऐप यूज किया होगा तो आपको चैट बबल्स के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर है बबल्स, इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। इसे इनेबल करने के बाद जैसे आपको कोई SMS करता है तो उसका जो SMS है एक बबल्स के जैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज सेंड कर दिया है दूसरे मोबाइल से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइड में आपको बबल्स देखने को मिल जाता है। इसे चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप जो मैसेज है उसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं या फिर इसे आप यहाँ डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर नोटिफिकेशंस हिस्ट्री। अगर आपको नोटिफिकेशंस को स्टोर करके रखना था तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ता था प्ले स्टोर से, उसके बाद जाके आप किसी भी नोटिफिकेशंस को स्टोर कर पाते थे। बट ये जो फीचर है अभी एंड्रॉयड 11 में ऐड कर दिया गया है, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एक सेटिंग की मदद से सारे नोटिफिकेशंस को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशंस हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल से इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको आएंगे, आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस पे यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जब भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने बाय मिस्टेक से यहाँ नोटिफिकेशन पैनल से नोटिफिकेशंस को क्लियर कर दिया तो यहाँ से जाके आप स्टोर हुए नोटिफिकेशंस को बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है पिन शेयरिंग ऐप्स। ये जो फीचर है बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आप कभी भी किसी मीडिया फाइल को शेयर करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे ऐप्स सजेशंस में देखने को मिलते हैं कि आपको किस ऐप के थ्रू शेयर करना है। अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं किस ऐप के थ्रू आपको करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस मीडिया फाइल को मेरे को शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर कई सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू मेरे को शेयर करने के लिए बोला जाता है। जब भी मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस ऐप के थ्रू शेयर करना चाहते हैं वो जो ऐप है आपको सबसे फर्स्ट दिखे, तो उसके लिए जैसे कि मेरे को व्हाट्सअप चाहिए यहाँ पर, तो इसको मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करके रखता हूँ। यहाँ से पिन व्हाट्सअप पे क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो व्हाट्सअप है फर्स्ट नंबर पे पिन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जब भी आप पिन कर लेते हैं तो जो उस वो शेयरिंग ऐप्स से वो आपके फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और बाकी के जो सजेशंस ऐप है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप दोबारा किसी मीडिया फाइल को सेंड करने जाएंगे तो वहाँ पर जो ये दोनों ऐप है आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेंगे, फिर इसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है फ्री फॉर्म विंडो। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है और एडवांस में डेवलपर ऑप्शंस। अगर आपको पता नहीं है डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनेबल फ्री फॉर्म विंडो।
इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप किसी ऐप को फ्री फॉर्म विंडो में ओपन कर सकते हैं। एक फ्लोटिंग जैसा विंडो दिखेगा, उसके लिए जैसे कि मेरे को यहाँ पर सेटिंग को फ्री फॉर्म विंडो में ओपन करना है, तो यहाँ पर सेटिंग का जो आइकन दिख रहा है ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्री फॉर्म, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, ये जो सेटिंग है एक छोटा सा फ्री फॉर्म विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद इस जो फ्लोटिंग विंडो है इसे आप जहां पर चाहिए वहां पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आप दूसरा ऐप अगर यूज करना चाहते हैं तो यहां से आप बहुत ही इजीली ओपन कर पाएंगे। उसके बाद आप बैक जाएंगे तो जो आपका ऐप ओपन करके रखा है वो बंद नहीं होगा। बेसिकली फ्री फॉर्म विंडो का जो यूज है यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं किसी ऐप को ओपन करके रखना तो उसे आप यहाँ पर ओपन करके रख सकते हैं, और साथ में दूसरे भी ऐप आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, जो कि आपके अपने स्मार्टफोन में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, प्राइवेसी। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी का यहाँ पर एक टैब देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको परमिशन मैनेजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके कौन कौन सी, आपने कौन कौन सी परमिशन ले के रखा है, यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को देखना है यहाँ पे कैमरे का जो एक्सेस है कौन कौन से ऐप ने ले रखा है, तो यहाँ पर मैं कैमरे पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको जो सारे ऐप्स के लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सारे ऐप्स ने मेरे जो कैमरे का एक्सेस है ले के रखा है। यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि जब भी मैं उस ऐप को यूज करूँ उसी टाइम मेरे ये कैमरे का एक्सेस करे, या फिर एवरी टाइम हमसे ये परमिशन मांगे कि जब भी ये इसको कैमरा यूज करना हो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली डिनाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आके यहाँ परमिशन मैनेजर में चेक कर सकते हैं कि आपके अगर किसी ऐप ने अननेसेसरी किसी भी दूसरे परमिशंस को लेके रखा, जैसे कि माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी चीज़ें, तो यहाँ से आप आके चेक करके उसे डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो फीचर है शेड्यूल डार्क मोड, ये जो फीचर है पहले नहीं था, एंड्रॉयड 11 अपडेट करने के बाद अभी आप जो डार्क मोड है उसे शेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले, उसके बाद यहाँ पर आपको डार्क थीम देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेड्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कस्टम टाइम चूज़ कर सकते हैं या फिर सनसेट टू सनराइज चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को कस्टम टाइम चूज़ करना है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट टाइम चूज़ करना है, उसके बाद आपको एंड टाइम भी यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे जो आपका मोबाइल है वो डार्क थीम में बदल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं भी करेंगे तो जो आपका टाइमिंग के हिसाब से जो टाइम पे आपने शेड्यूल करके रखा है वो ऑटोमेटिक डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप डार्क मोड को शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया एंड्रॉयड 11 के 7 ऐसे सेटिंग्स जो कि आपको पहले से पता नहीं होंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है एंड्रॉयड 11 के सेटिंग्स को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ में इस बेल आइकन को दबा रख ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।